भाई आप ध्यान से कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो कि हम लोग को होस्ट अकाउंट में नहीं लेना है, जैसे कैश डिस्काउंट, याद रखना कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? इसमें उल्टा होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग कैश डिस्काउंट लेते थे ना, इसमें नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड, ये सब चीज नहीं लेंगे। अच्छा समझ लो, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या पेड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या पेड हो, ये दोनों रहेगा तो हम लोग को नहीं लेना है, ठीक। डोनेशन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, ठीक है। डिविडेंड हो गया, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सभी सब रिटेन ऑफ रहेगा, वो सब टॉपिक हो गया। गुडविल, ठीक है, गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल से रिलेटेड कुछ भी रहेगा नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग का हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन सब सब फाइनेंशियल आइटम है इसलिए नहीं लेते। प्रोविजन फॉर टैक्स, बेड डेट, ठीक है, ये सब टॉपिक रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। वेल्थ, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब लिख लो अच्छा से, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है। वेल्थ टैक्स के बाद हम लोग का हो गया किसी प्रकार का लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स। उसके बाद हम लोग का हो गया, और एक दो लिख देते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बुक में भी दिया हुआ है लेकिन तुम लोग एक जगह कर दे रहे, कोई तरह का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब टॉपिक हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। किसमें नहीं लेते हैं? जब हम लोग बन, जब कोस्ट अकाउंट में हम लोग अभी देखना, हम लोग बनाएंगे ना, कोई भी तरह का इंटरेस्ट पेड रहेगा तो नहीं लेंगे। तभी जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन में ये सब आइटम कहीं बीच में दे देगा तो हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल आइटम है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और तो ऐसा कुछ है नहीं, वैसे एक दो है हम लोग देख के भी पता चल जाएगा, लेकिन लगभग हम सब लिख ही दिए जो हम लोग को मेन मेन है। कैश डिस्काउंट सब इसमें नहीं लिखाता है, ठीक है। एकदम अच्छा से नोट कर लो इसको।